10 की कमाई से पहले दीपांशु एक छोटा सा अपडेट है। फ्राइडे को हमने जीएमडीसी में एक बाय कॉल दिया था। स्टॉक आज 15-16% ऊपर है। इनफैक्ट मेरे टारगेट्स वहां पर छोटे पड़ गए, लगभग 78 रुपए तक के टारगेट स्टॉक ने चुना है। और अनिल जी को उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अनिल जी की तरफ से वो बहुत ही स्ट्रांग रिकमेंडेशन आया था। इसके अलावा लास्ट वीक मैंने एसपीएल मिड कैप में नितिन स्पिनर्स में भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन दिया था, तो वहां पर अच्छे रिजल्ट्स के बाद 10% का अपमूव आज ओपनिंग सेशन में देखने को मिला। तो मुझे लगता है वहां पर भी एक अच्छा अपमूव, यहाँ पर अच्छा हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। अब 10 की कमाई में दीपांशु जी, मुझे लगता है आज के लिए स्टॉक जो है जो मुझे पसंद है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। हायर लेवल से एक एबीसी थ्री वेव जिगजैग करेक्शन मुझे लगता है यहाँ पर पूरा हुआ है। स्टॉक अपना शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन के पास अच्छा कंसोलिडेशन बनाने के बाद एक अपमूव के लिए बिल्कुल तैयार है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 130 132 रुपए तक के पहले टारगेट्स और उसके बाद वापस से अपने नए हाईज 135 138 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल में 114 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। कोई भी गिरावट 117 118 तक के लेवल्स को मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। और यहाँ से 132 और 135 तक के दो टारगेट शॉर्ट टर्म में आदित्य बिरला कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पर खरीदारी करने की राय। जो भी हिमांशु जी आदित्य बिरला कैपिटल रिकमेंड करता है ना, तो वो बंसल जी की कोई ऐसी फीलिंग आती है जैसे उनके मुंह में किसी ने गुलाब जामुन रख लिया हो। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर योर वॉर्म विशेस। और बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक मेटल स्टॉक है। अभी तो सिर्फ मेटल मेटल और मेटल ही चल रहे हैं। पिछले महीने भर से आपने नोटिस किया हुआ कई मेटल स्टॉक्स को मैंने भी रिकमेंड करा, बाकी पैनलिस्ट ने भी रिकमेंड किया और एक धुआंधार तेजी हुई है। और ये जो मेटल का सुपर साइकिल है ये अभी भी इसमें काफी स्टीम बाकी है। तो आज मैंने एक मिड कैप मेटल स्टॉक पिक किया है। कंपनी का नाम है टाटा स्टील बीएसएल। ये पहले भूषण स्टील के नाम से जाना जाता था, टाटा स्टील ने इसको एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील की अब ये सब्सिडियरी है। स्टॉक का भी दाम चल रहा है, प्राइस चल रहा है 100 रुपए का। अनिल जी, इस कंपनी के नतीजे आए थे हाल ही में मार्च क्वार्टर के, बहुत ही सुपर डुपर नतीजे थे। इस कंपनी ने इस क्वार्टर में 1913 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 913 करोड़ का पैट था दिसंबर में, उसके सामने 1913 करोड़। और पिछले साल के अगर मार्च क्वार्टर देखेंगे तो वहां तो 5 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था, उसके सामने 1913 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। और बाकी आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इस कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 10,000-11,000 करोड़ की, जबकि इस क्वार्टर का प्रॉफिट आया लगभग 2,000 करोड़। और ये जो साइकिल अगर ऐसी चलती है तो मुझे लगता है ये 2-3 क्वार्टर में मार्केट कैप जितना तो इनका 3-4 क्वार्टर में प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कैश मार्केट का स्टॉक है जो कि ट्रेड कर रहा है, टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, शांति से इसमें इन्वेस्ट करके रहे। 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 150 रुपए का टारगेट है और बिल्कुल वो बहुत ही जल्दी आना चाहिए। सो अनिल जी, आज जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी ICIL, इंडो काउंट। इसका NSE कोड है ICIL और नाम है अगर इसका देखे तो इंडो काउंट। सो ये कंपनी में अगर हम देखें तो स्टॉक में डेली सेटअप के हिसाब से देखो तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ है पिछले 10 से 12 वीक का एक एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में डिलीवरी एक्शन भी देखने को मिली, हमें लगता है अब ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है 190 से 200 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती 145 तक भी अगर ये स्टॉक स्लाइड होता है तो इसको बाय करें। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो करीब 140 के आसपास, तो ICIL बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 190 और 200 के टारगेट के लिए। तो और भी ज्यादा कंफर्ट जोन रहता है। तो आज मेरी ओर से जो खरीदारी की सलाह है वो है HDFC AMC। काफी 3-4 महीने के कंसोलिडेशन में 3300 रुपये से ऑलमोस्ट 2700 तक आ चुका है स्टॉक। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो नैरो फॉल है ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न बना है जिसको हम फॉलिंग वेज भी कहते हैं। मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 2700 के आसपास, वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे HDFC AMC खरीदने की राय होगी, करीबन 2780 के आसपास चल रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2700 का क्लोजिंग बेसिस पे। और मुझे लगता है अगर आप 2 से 3 महीने दोगे तो फिर से एक बार के लिए ये 31 और 3300 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो HDFC AMC विद अ व्यू ऑफ 2-3 मंथ 2700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना होगा 3300 रुपए के टारगेट के लिए। सो
अनिल जी, पोजिशनल पिक जो है वो है एक्सेल इंडस्ट्री। अगर हम स्टॉक को देखें तो पिछले दिनों में एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन उस रैली में अगर हम फॉर्मेशन देखें तो वीकली चार्ट पे इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये पैटर्न दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1230 से 1250 तक के अपवर्ड टारगेट यहाँ से आते हुए दिखेंगे। तो कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आए ऐड करें, 1030 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। टारगेट जो हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आना चाहिए करीब 1230 से 1250 तक के। तो एक्सेल इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी।